हेलो दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी फैंस के लिए सबसे बड़ा बुरा खबर तो यही है कि कंफर्म करने के बाद भी सर्जिल ओबेरा को अभी तक ईस्ट बंगाल एफसी अपनी टीम में साइन करवाने में कामयाब नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल का जैसा खबर है कि सिचुआन जिन्यू से ऑलमोस्ट सर्जिल ओबेरा को अपनी टीम में साइन करने के लिए 2 करोड़ का ट्रांसफर फी देना पड़ेगा। तो ओडिशा एफसी काफ़ी ज़्यादा आगे है ईस्ट बंगाल एफसी से, तो ईस्ट बंगाल एफसी के फैंस सच में काफ़ी ज़्यादा नाराज होंगे ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट से कि आखिर मौखिक तौर पर फॉर्म करने के बाद सर्जिल ओबेरा को अभी तक साइन नहीं करवा पाई है ईस्ट बंगाल एफसी, क्योंकि अभी तक एनओसी नहीं मिला है सिचुआन जिन्यू से। तो ये एक बहुत बड़ा बुरा खबर है ईस्ट बंगाल एफसी फैंस के लिए। और दूसरा बुरा खबर ये है कि राइट बैक के खिलाड़ी मोहम्मद राकिब ओडिशा एफसी में ज्वाइन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि खबर है कि ईस्ट बंगाल एफसी के राइट बैक के खिलाड़ी मोहम्मद राकिब ओडिशा एफसी में साइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो दोस्तों मोहम्मद राकिब को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों मोहम्मद राकिब काफी अच्छे खिलाड़ी है, काफी पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल का जैसा खबर है कि ओडिशा एफसी में जाने का चांस मोहम्मद राकिब का काफी ज्यादा है। तो दोस्तों आप तो चलो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।